मुरैना के खड़िया हर पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे आधा दर्जन अपराधियों को पुलिस ने हथियारों सहित पकड़ा है। पुलिस ने बदमाशों के पास से कई हथियार भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों में से दो बदमाश भिंड तथा मुरैना के रहने वाले हैं। इन बदमाशों में शामिल आरोपी अपने ही चाचा को लुटवाने की तैयारी कर चुका था। मुरैना पुलिस को सूचना मिली कि सिहोनिया थाना क्षेत्र के खड़ियाहार पेट्रोल पंप को लूटने के लिए बदमाश एकत्रित हो रहे हैं। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से इन सभी बदमाशों को पकड़ लिया। इनमें मुख्य आरोपी कुलदीप राजावत भिंड पैरोल पर केंद्रीय जेल से आया हुआ है। इस पर 11 अपराध हत्या व हत्या के प्रयास सहित अन्य प्रकरण दर्ज है। इसी तरह भानु राजावत पर 3 तथा दीपू रेकवार निवासी मुरैना पर 7 मामले दर्ज हैं। इनके अलावा पकड़े गए बदमाशों में अनिल कुशवा भिंड, दीपक शर्मा भिंड तथा सोनू तोमर निवासी सिहोनिया शामिल है। पेट्रोल पंप के बाद सिहोनिया शराब ठेके के मुनिम धारा सिंह को लूटने की योजना भी भतीजे सोनू तोमर ने बनाई थी। मुनिम धारा सिंह शराब बिक्री की राशि लेकर रोज बैंक जाता था। हमें कुछ समय पहले से सूचना मिली थी मुखबिर तक से कि सर कुछ भिंड के लोग मिलकर मुरैना के लोगों के साथ सिहोनिया थाना क्षेत्र के आसपास के एरिया में सिहोनिया माता बसैया में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक से प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसी तारतम्य में जो मुखबिर नेटवर्क है उसको एक्टिवेट किया गया और कॉम्बिंग ऑपरेशन और रात्रि गश्त को थोड़ा अलर्ट किया गया कि कहीं पर कोई भी संदिग्ध मूवमेंट हो उस पर नज़र रखी जाए। इसी दौरान हम लोगों को कल सूचना मिली कि करीब कोई कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कुछ ग्रुप है लोगों का जो खड़ियार पेट्रोल पंप के पास इकट्ठा हुआ है बाजरे के खेत में तक कुछ घटना को अंजाम दे सकता है। उसी तात्पर्य में एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई और वहां पे दबिश दी गई तो 6 लोग हमारे हाथ लगे। इसमें 6 लोग हैं कुलदीप सिंह, भानु राजावत, दीपक शर्मा, अनिल कुशवा, दीपू रैकवार और सोनू तोमर। इन 6 को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में निकल के आया कि ये लोग वहाँ पे पहले जो खड़ियार पेट्रोल पंप है उस पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। इनके कब्जे से 3 कट्टे मिले हैं और कुछ राउंड मिले हैं और एक धारदार पक्का भी मिला है हमें इनके कब्जे से। फिर और फर्दर पूछताछ की गई इनसे तो ये सामने निकल रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद जो सोनू तोमर है उसने इन सभी को अपने साथियों को राजी कर लिया था कि इसका जो चाचा है जो कि सिहोनिया में शराब ठेके पे काम करता है जो कि सुबह 8 से 9 के बीच में पैसे लेके अंबा जमा करने जाता है कि उसकी भी लूट करेंगे। उससे भी 2 से 2.5 लाख रुपए ये लूटने के प्रयास में थे। तो उन्होंने पूरी रेकी कर ली थी, सब कुछ इनके नॉलेज में था। अगर इनके जो मंसूबे वो पूरे होते इससे पहले ही हमारे पास सूचना आ गई थी तो पुलिस ने टाइमली एक्शन लेते हुए इन सभी को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने डकैती डालने की योजना बनाने व अवैध हथियार का मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाड़ न्यूज़, मुरैना।